नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है विश्व पटल से। इसमें क्या है कि दोस्तों, भारत का मान सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया का एक इंस्टीट्यूट है, लोई इंस्टीट्यूट, जिसका जो हर साल अपना एक इंडेक्स जारी करता है, उसमें वो बताता है कि कौन देश कितना पावरफुल है। आपको बता दें कि उसमें वो कई पैरामीटरों को देखते हैं, जिसके थ्रू वो फिर कैलकुलेट करके बताते हैं कि किसकी कितनी पावर है, कौन देश कितना पावरफुल हो चुका है। तो उसमें कई चीज़ें देखी जाती हैं, 7-8 चीज़ें। और जैसे कि उसमें एक चीज़ तो ये देखते हैं कि कौन देश कितना रिसोर्सफुल है, उसके फ्यूचर रिसोर्सेस कैसे रहने वाले हैं, कितने यूज़फुल रहेंगे। दूसरा, वो कितने पैसे वाला है, ये चीज़ देखी जाती है। तीसरा, उसके पास मिलिट्री पावर कैसी है, ये देखी जाती है। चौथा, उसकी डिप्लोमेसी कैसी है दूसरे देशों के साथ, ये देखा जाता है। फिर उसके बाद ये देखा जाता है रेजिलियंस, कि अगर कोई उसके देश के ऊपर वार हो जाती है या उसके कोई आपदा आ जाती है, तो उसका उस पर रिस्पॉन्स कैसा रहता है, कितनी तेज़ वो उस पर काम करता है, ये देखने वाली बात होती है। तो इस तरह की ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसको देखने के बाद ये रिपोर्ट अपनी तैयार करते हैं। तो दोस्तों, इसमें भारत के लिए खुशी की बात ये है कि भारत अब इस रिपोर्ट में तीसरा सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री बन गया है। इसमें सबसे खुशी की बात ये है कि भारत ने कई देशों को पीछे छोड़ दिया है इन सभी मामलों को देखते हुए। जैसे कि रसिया वैसे बहुत पावरफुल देश है, लेकिन भारत ने उसको पीछे छोड़ दिया है, जापान को पीछे छोड़ दिया है। सबसे ऊपर अगर नंबर वन पे बोलें तो सबसे ऊपर तो यूएसए है, तो अमेरिका सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पे इंडिया है, चौथे पर आएंगे जापान, पांचवे पे ऑस्ट्रेलिया है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया पांचवे पे, और छठे नंबर पर रशिया आ गया है। जी हाँ दोस्तों, रशिया सोचिए ऑस्ट्रेलिया से भी नीचे आ गया है। अब इन्होंने इसके कई कारण बताए हैं। अब आपको बता दें कि ये इसमें कितने पॉइंट मिले हैं, जिसकी वजह से ये मानते हैं कि ये पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उसके बाद कुछ मिडिल पावर वाले कंट्रीज़ हैं, फिर उसके बाद वीक कंट्री हैं। तो इंडिया को अभी इन्होंने मिडिल पावर वाले कंट्रीज़ में रखा है, जो कि मुझे लगता है कि कुछ गलत सा है। कारण मैं बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, है क्या कि पाकिस्तान भी मिडिल पावर में आता है, इंडिया को भी मिडिल पावर में रखा है, ब्रुनोई को भी इन्होंने मिडिल पावर में रखा है। इस तरह ये सब कंट्रीज़ को इन्होंने मिडिल पावर में रखा है, नॉर्थ कोरिया को मिडिल पावर में रखा है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान और भारत का कहीं पर कोई मैच नहीं है, भारत बहुत आगे है। तो इससे एक कैटेगरी इनको और बनानी चाहिए थी पोटेंशियल सुपर पावर की, कि इंडिया तो बिल्कुल पोटेंशियल है सुपर पावर बनने का। अब इसके बाद आपको बता दें कि किसकी कितने पॉइंट हैं। तो 100 पॉइंट में 81 पॉइंट तो यूएसए के हैं, जो सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर 72 पॉइंट हैं चाइना के, और तो ये दोनों तो सुपर पावर हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर इंडिया है, जिसके 39 पॉइंट हैं। चौथे पे आता है जापान 38 पॉइंट के साथ। तो दोस्तों इस तरह से, और अगर रशिया की बात करें तो 31 पॉइंट है। इस तरह से इन्होंने पॉइंट्स डिवाइड करें, और जिस भी कंट्री के 70 पॉइंट से ऊपर होते हैं, 70 या 70 के ऊपर, उसको ये लोग सुपर पावर बोलते हैं। तो अभी हम सुपर पावर बनने में तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी हम 39 पॉइंट में हैं। अभी हमें 70 तक पहुँचने में बहुत टाइम लगने वाला है, ये हम समझ लिए कि अभी 10 को लग जाएंगे तब हम वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन पोटेंशियल तो है हमारे पास। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो तो बहुत ही नीचे है अभी, इस बार बल्कि उसकी रैंकिंग और कम हो गई है, और वो नीचे आ गया है, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं दिक्कतें उसके यहाँ बहुत हैं, इकोनॉमिकली तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। वैसे रसिया भी, उसकी अगर रैंकिंग नीचे गिरी है तो उसके पीछे रीजन ये है कि रसिया के ऊपर कर्ज बहुत हो गया है, वो इतना ज़्यादा कर्ज में डूब चुका है ये युद्ध की वजह से, उसको काफ़ी उसके रिसोर्सेज वहीं यूज हो जा रहे हैं, ये जो यूक्रेन के साथ उसका युद्ध चल रहा है। आपको बता दें कि
अब जैसे कि एक वीक कंट्री भी लिस्ट भी बनाते हैं ये, अब वीक कंट्री में इन्होंने बांग्लादेश को दिखाया है। अब तो भारत को कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल सुपर पावर के रूप में इनको दिखाना चाहिए था, एक ऐसा इनको कोई कैटेगरी बनानी चाहिए थी जो मिडिल पावर वाले देश से ऊपर बढ़ना चाहिए और सुपर पावर से नीचे रहना चाहिए, कोई पोटेंशियल मिडिल पावर इस तरह से कोई बनाना चाहिए, तब ये चीज़ों को जस्टिफाई कर पाते। अभी चीज़ें जस्टिफाई नहीं हो रही हैं, लेकिन ये तो है कि दुनिया में अब माना जा रहा है कि भारत भी कुछ है, भारत कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है। सोचिए कि अब हमारे पास एक नहीं दो दो कैरियर एयरक्राफ्ट हैं। अब ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत खर्चे वाला काम है कि जो भी ये वॉर वगैरह करते हैं समुद्र से, तो एक अपना कैरियर लेके जाते हैं जिसके अंदर ऊपर हमारे फाइटर जेट्स वगैरह उतर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि वो इतनी बड़ी चीज़ होती है, सारा कुछ लेके जाता है, तो ये सबके पास नहीं होते, बहुत ही कम कंट्रीज है जिनके पास है। अच्छा, इन्होंने ये बताया है कि ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने रैंकिंग ऊपर क्यों दी है और रशिया की रैंकिंग नीचे क्यों करी। दरअसल इनका ये कहना है कि ऑकस के अंतर्गत अब इनको कई चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे न्यूक्लियर सबमरीन मिलने वाली है और इनको कुछ डिफेंस की चीज़ें मिलने वाली हैं ऑस्ट्रेलिया को, और इसी के साथ क्वाड में जब से ऑस्ट्रेलिया आया है तब से इसकी कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी पावर भी बढ़ी है इस तरह से। और रशिया की डिप्लोमेसी पावर तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा नीचे है, क्योंकि मोस्टली कंट्रियों ने तो रशिया का बाइकॉट कर रखा है वेस्ट के, जैसे कि पूरा यूरोप है उसमें मोस्टली रशिया को बाइकॉट कर रखा है, यूएसए उसने बाइकॉट कर ही रखा है। तो इसलिए रशिया की कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पावर, जो डिप्लोमेसिक पावर है, वो कहीं ना कहीं कम हुई है। इसके साथ ही साथ उसके पास इनकम भी कम हुई है, पहले जो रशिया कमाता था अब वो उतना नहीं कमा पा रहा है और उसके पास कर्ज बढ़ गया है। युद्ध में है तो उसके खर्चे बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए उसके ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। और वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया मिडिल पावर में है, इनकी इस वक्त काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है इनकी डिप्लोमेसी में, इन्होंने डिप्लोमेसी में काफ़ी कुछ अचीव किया है। साथ ही साथ ये अपनी अब पावर डिफेंस पावर में भी बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो इस तरह से इन्होंने उसको अपनी रिपोर्ट में जस्टिफाई किया है। वैसे ये जो इंस्टीट्यूट है ये ऑस्ट्रेलिया का ही है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ है, हो सकता है, हालांकि इसकी क्रेडिबिलिटी इंस्टीट्यूट की बहुत ज़्यादा है। ये मान के चला जाता है कि ये इंस्टीट्यूट कुछ भी गलत चीज़ें ऐसे पेश नहीं करता है। जैसे इससे पहले रिपोर्ट जब आई थी उसमें भारत को जापान से नीचे दिखाया हुआ था, तो उसके बाद कई फैक्ट्स जब रखे गए तब इन्होंने इस बार अपनी उस गलती को सुधारा है। उसमें दरअसल ये था कि भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी उस वक्त होने वाले थे दो, लेकिन फिर भी जापान के पास ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने दिखाया था कि जापान का जो देश है जापान के पास भारत से ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा शक्तियाँ हैं, ये उस रिपोर्ट में दिखा दिया था, जो कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं दिखाता है। लेकिन भारत ने एक साल में काफ़ी कुछ बदलाव लाए हैं अपने अंदर, अपनी डिप्लोमेसी और ज़्यादा बढ़ाई है, अब भारत की बातों को दुनिया सुनती है, भारत अगर कुछ कहता है तो उस पर दुनिया ध्यान देती है। अगर कहीं पर भी कुछ आपदा आ जाए तो भारत सहायता भेजने वालों में सबसे पहले ही आगे आता है और सबसे आगे आने वाले देशों में से एक होता है। तो भारत अब हर एक चीज़ में अपने आप को आगे लाता है और ये प्रूव कर रहा है कि भारत समग्र जो विश्व है उसके कल्याण के लिए काम करता है, उसके लिए वो हर तरीके से आगे आता है। चाहे कोरोना काल हो, कोरोना काल में भारत ने करीब 150 देश के आसपास देशों को दवाइयां और वैक्सीन भेजी थी। सोचिए, जबकि भारत की जनता खुद इतनी बड़ी है, 17% जनता है पूरे विश्व की, 17% जनता को वैक्सीन लगाने का काम भारत ने किया, साथ ही साथ दूसरे देशों को दवाइयां और
वैक्सीन भेजने का भी काम किया। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत विश्व कल्याण के लिए काम करता है और भारत काफ़ी कुछ इसमें लोगों को दे रहा है। लेने के लिए हम बात नहीं करते, हम देने की बात करते हैं और हम इसको दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही ये सुखद बात है भारत के लिए। अब इस पर कुछ और चीज़ नई आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।